और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन कर दिया है। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के दिग्गज कारोबारी समिट में मौजूद हैं। इस दौरान सुजुकी के प्रेसिडेंट तोशिजो सुजुकी ने कहा है कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी का भरपूर समर्थन मिला है। ऑटोमोबाइल बाजार में भारत ने तेजी से तरक्की की है, भारत में उत्पादन क्षमता भी बढ़ी है, 10 सालों में हमें यहां उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ मिली है। वहीं मुकेश अंबानी ने मोदी है तो मुमकिन है के साथ संबोधन की शुरुआत की। मेरे पिता कहा करते थे कि गुजरात हमारी मातृभूमि भी है और कर्म भूमि भी। हम गुजरात सरकार के साथ मिलकर तेजी से कई प्रोजेक्ट पूरे करेंगे। हम 2047 के विकसित भारत के लिए आशावादी हैं। इस दौरान गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल सहित कई बिजनेसमैन ने भी संबोधित किया। देश दुनिया की बड़ी हस्तियां इस समिट में शामिल हो रही हैं। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है बेहद अहम, न केवल गुजरात के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। समिट बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है। 3 दिवसीय समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी गई है। देखिए 10वां ये संस्करण है इस समिट का। इससे पहले भी कई समिट हो चुके हैं और काफी उम्मीदें इस तरीके से इन समिट से रहती है। और जो विदेशी मेहमान हमारे यहां पहुंचे हैं उनका स्वागत सत्कार भी किया गया, अभिनंदन किया गया, जिसकी खास तैयारी की गई थी। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए समिट बेहद महत्वपूर्ण है। 10वां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात समिट का है। 3 दिवसीय समिट की जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर रखी गई है। यूएई के प्रेसिडेंट समेत अन्य कई वर्ल्ड लीडर्स इस समिट में शामिल हैं और ना केवल देश के बल्कि विदेश के भी बिजनेसमैन समिट में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से भारत के बिजनेसमैन को आपने सुना, संबोधित उन्होंने भी किया, अपनी बातों को रखा और कहा कि हमें सरकार का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और देखिए जैसे जैसे उद्योग बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उससे जुड़े जो बड़ी संख्या में लोग होते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। इस लिहाज से समिट बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि जो विदेशी मेहमान हैं, जो दूसरे देश हैं, उनको ये बताया जाए कि हमारे देश में ये तमाम इस तरीके से इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, बहुत सारी संभावना है, लेकिन आपको यहाँ देखने की बस जरूरत है, क्योंकि यहाँ आपकी इच्छा के मुताबिक आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा और साथ ही साथ जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए यहां पर संभावनाएं तलाशनी होगी। 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री इस समिट में शामिल हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट जिसका 10वां ये संस्करण है, प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट ने कल कई किलोमीटर लंबा अहमदाबाद से रोड शो भी किया था और ये बताने की कोशिश कि दोनों ही देशों के रिश्ते पहले भी मजबूत थे और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे दोनों ही देशों के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत है। कदम से कदम मिलाकर दोनों ही देश चल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण समझौते की भी संभावना इन समिट में है, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता भी कल भी हुई थी। वर्ल्ड लीडर्स इसमें शामिल हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा के साथ साथ इंडस्ट्री को लेकर संभावनाएं और उस पर चर्चा प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया वो तस्वीरें भी आपने देखी थी, अलग अलग कारोबारियों ने अपनी बातों को रखा था, क्योंकि आप देखिए उद्योगपतियों को सहयोग सरकार का मिलता है तो फिर और भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री अगर कोई एक नई लगेगी तो आप सोचिए कि उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो सभी की समस्याएं दूर होंगी।
I would like to make five commitments to the people of Gujarat. First, Reliance will continue to play a leading role in Gujarat's growth story with significant investments in the next 10 years. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. Second, Reliance Jio completed the fastest rollout of 5G infrastructure anywhere in the world. Today, Gujarat is fully...